Hello students, welcome in RCI Education of Online Class. Dear students, we discuss about the relation between Wanda factor I and degree of ionization or dissociation alpha. Clear? Last class we have discussed the abnormal molar mass which explained by Wanda factor. Now this Wanda factor ko correlate karenge apan डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, कितना आयनाइजेशन हो रहा है और नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका इसी क्लास में कितना एसोसिएशन हो रहा है, दैट इज अल्फा डिग्री, दैट मींस हाउ मच एसोसिएशन हाउ मच डिसोसिएशन और आयनाइजेशन, दोनों टर्म में आपकी एक ही है, आयनाइजेशन और डिसोसिएशन. सपोज अपने पास में लेट्स कंसिडर इनिशियली कितने मोल अपने पास में एनएम मोल, कितने मोल होगा एनएम मोल पास, इनिशियली क्या है आपका एनएम मोल, क्या पढ़ रहे हैं अपन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आफ्टर आयनाइजेशन कितने होंगे अपने पास में, आफ्टर आयनाइजेशन अपने पास में सपोज लेट्स कंसिडर सपोज ए मोल, इनिशियली क्या आपके पास में ए मोल है राइट, और ये जब क्या हो गए आयनाइजेशन होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे इंक्रीज होंगे, तो अपने पास कितने होंगे आपके एन मोल होंगे, कितने होंगे बेटा एन मोल होंगे आपके. क्लियर? इसकी जो कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन, इसकी बात करेंगे अपन, इनिशियल कंसंट्रेशन यहां पर वन है, यहां पर कितनी आपकी जीरो, यहां पर वन है, यहां पर क्या है आपकी जीरो. क्लियर? आफ्टर आयनाइजेशन, आफ्टर आयनाइजेशन और डिसोसिएशन, डिसोसिएशन अब कितना हो रहा है, कितना ले रहे हैं अपन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा, क्या ले रहे बेटा अपन अल्फा राइट, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका वन माइनस अल्फा कम हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा आपका एन अल्फा, कितना हो जाएगा एन अल्फा, यहां कितना लेस हुआ अल्फा, इधर कितना हो गया एन अल्फा, क्योंकि यहां पर कितने मॉलिक्यूल थे अपने पास में एन मॉलिक्यूल आफ्टर आयनाइजेशन और डिसोसिएशन. क्लियर? अब यहां पर टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा उनके पास में आफ्टर आयनाइजेशन वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा. क्लियर? देन वांट ऑफ फैक्टर, इसकी बात करेंगे अपन वांट ऑफ फैक्टर आई स्कूल क्या होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखा था अपने डेफिनेशन में आफ्टर आयनाइजेशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर आयनाइजेशन. वांटा फैक्टर क्या कहता है तुमसे, आई इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर आयनाइजेशन एंड नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर आयनाइजेशन. क्लियर? अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, ध्यान दीजिएगा, किसी कैलकुलेशन करनी बेटा हमको आई की कैलकुलेशन करनी,
देखिए आई स्क्वायर नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ डायमेंशन कितने हो गए आपके 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा दिख रहा है आपको टोटल कितने हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन इनिशियल में कितने थे आपके 1 बिफोर आयनाइजेशन 1 मॉलिक्यूल थे आफ्टर आयनाइजेशन टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए पार्टिकल्स कितने होंगे 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा क्लियर क्या करना है आपको आई की वैल्यू अपने पास आ चुकी है आई की वैल्यू क्या अपने पास में आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा क्लियर अब यहां से क्या निकालना है आपको अल्फा निकालना क्या निकालना है अल्फा सो ओपन कैसे लिख सकते हैं देखो जरा आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा ले सकते हैं आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा कॉमन आ जाएगा एन माइनस क्लियर हो गया वन का राइट इस वन पे चला सकता हूं मैं तो देखो क्या जाएगा आई माइनस वन इक्वल टू अल्फा एन माइनस वन कोई डाउट है नहीं होना चाहिए यहां से अल्फा इक्वल टू क्या जाएगा I माइनस वन अपॉन एन माइनस वन आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन वन ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन वन ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्लियर कोई डाउट है नहीं होना चाहिए देखो इनिशियल में वन था आफ्टर आयनाइजेशन एन ए मॉलिक्यूल हो गए कितना आयनाइजेशन हुआ अल्फा तो इसको लेस कर दो इधर कितना हुआ एन अल्फा टोटल मॉलिक्यूल हो गए आई क्या है आपका आफ्टर एंड बिफोर आफ्टर क्या है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बिफोर कितना है 1 यहां से कैलकुलेट करके अपन क्या निकाल लिया वैल्यू ऑफ क्लियर कोई डाउट है अपने पास में ये फॉर्मूला भी आपका यूज जाएगा और ये फॉर्मूला भी आपका इसी में आपसे वांडा फैक्टर की कैलकुलेशन करवाएगा इसी में आपकी अल्फा की कैलकुलेशन करवाएगा क्लियर आगे देखिए इससे रिलेटेड आपके पास में न्यूमेरिकल है इसको अपन सॉल्व करते हैं देखिए स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन इज 0.1 mm सॉल्यूशन ऑफ K4FeCl6 इज 46% आयनाइज्ड अब क्लियरली गिवन है सॉल्यूशन इज आयनाइज्ड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इफ आर इज इक्वल टू 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स क्लियर तो यहां पे आपके पास में आयनाइजेशन या डिसोसिएशन अगर गिवन है तो उस कंडीशन में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो अपन को पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है किसके साथ में वांडा फैक्टर के साथ में जब भी आपको आयनाइजेशन और डिसोसिएशन की बात करें तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज में लेना है आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विद वांडा फैक्टर अब किसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे पहले अपन क्या करेंगे गिवन वैल्यूज निकालना कौन सी वैल्यूज गिवन वैल्यूज क्या क्या है देखो C इज इक्वल टू कितना है 0.1 mm जो कह सकते हैं 1/10 मोल पर लीटर राइट T दे रखा है आपको
27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या लिख सकते हैं अपन इसको, 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। क्लियर? आर आपको गिवन है, आर इज इक्वल टू 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, राइट। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दे रखा है आपको 46%। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दैट मीन्स आपकी अल्फा की डिग्री दे रखी है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अल्फा कितना गिवन अपने पास में 46%, इसको अपन क्या लिखेंगे 46/100। क्या करना है आपको, पाई कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट होगा इसमें पाई। अब पाई इन सेंस ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो यहां पर पाई का फॉर्मूला क्या होगा, आईसीआरटी सिंपल कंसंट्रेशन होगा, पाई इज इक्वल टू आईसीआरटी। अब यहां पर हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, आई, आई इज द वॉन्ट ऑफ फैक्टर, वॉन्ट ऑफ फैक्टर इन सेंस ऑफ आयनाइजेशन, इवन है इन सेंस ऑफ आयनाइजेशन। क्लियर? कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब यहां से अगर अपने पास आई कैलकुलेट हो जाएगा, सी अपनों गिवन है, आर गिवन है, टी गिवन है, राइट। तो देखिए यहां से फॉर्मूला लगाइए, आपसे ये वाला लगा लीजिए, कोई से भी लगा लीजिए आप, आई इज इक्वल टू 1 प्लस, अब एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, देखिए अपने पास में क्या है मॉलिक्यूल, K4 FeCl6। देखिए बेटा इसके लिए आप यहां लिख लीजिए K4 FeCl का होल 6, K4 FeCl का होल 6, जिसको आयनाइज करेंगे तो अपने पास क्या होगा, 4K प्लस प्लस FeCl6 माइनस 4। नंबर ऑफ आइंस 4 एंड नंबर ऑफ आइंस 1, टोटल कितने हो गए, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 5, तो रख दीजिए 5 इंटू। अल्फा कितना है, अल्फा कितना है अपने पास में 46/100 माइनस 46/100। इसको अपन ऐसे ना करके इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर इसको देखिए बेटा यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे कैलकुलेशन कम हो जाएगी आपको। देखिए आई इज इक्वल टू 1 प्लस 46/100 5 माइनस 1। क्लियर? आई इज इक्वल टू 1 प्लस 46/100 इंटू 4, इसको कंट्रोल करेंगे अपने पास जाएगा 2.84। आई की कोई वैल्यू नहीं, सॉरी आई की यहां पर कोई यूनिट नहीं आएगी, आई इज इक्वल टू 2.84 कोई वैल्यू यूनिट नहीं आएगी आपके यहां, बात क्लियर है। अब इस आई की वैल्यू का प्रोडक्ट कर देंगे अपन यहां पर, का प्रोडक्ट कर देंगे अपन यहां पर, तो देखिए पाई इज इक्वल टू आई लिख दिया अपन ने 2.84, सी कितना है आपका 1/10 इंटू आर कितना है 0.0821 इंटू 300, तो अपने पास क्या रहेगा पाई। देखो आई अपन ने कैलकुलेट कर लिया, अपने पास में 1/10 सी की वैल्यू गिवन है, आपकी आर की वैल्यू गिवन है, टी की वैल्यू गिवन है, तो इन सेंस ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या ऑब्टेन हो गया आपका, कितना होगा आपका 6.98, कितना होगा बेटा ये 6.98 एटी। क्लियर? तो ये आपका रिलेशन बिटवीन वॉन्ट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, और साथ में आपका न्यूमेरिकल भी हो गया।
इस टाइप के न्यूमेरिकल, सेम न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आया होगा। क्लियर बेटा, आज की क्लास में इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।